फेब्रुअरी, ये महीना दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक 28 या 29 दिन और दूसरा वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस वीक कहूँ। अब 14th फेब सिंबॉलिक ऐसे हुआ कि क्लॉडियस ने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल के सजाए मौत दे दी। वहाँ जेल में रहकर उन्हें क्लॉडियस की बेटी से ही प्यार हो गया, सो जब 14th फेब को उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया तब उन्होंने अपनी माशुका को एक खत लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी प्यार को अमर और सिंबलाइज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय लवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन ये पूरा वैलेंटाइन वीक, ये खासियत हमारे देश की है। पता नहीं कैसे और किसने शुरू किया, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ बहुत सारा प्रेशर जरूर ले आता है। अब मुझे ही देख लो, 7th फेब थी, मैं घूम रहा था शहर में एक रोज के लिए, आसपास की दुकानों में सब बिक चुके थे। अरे लेट याद आया, पर तुम्हारी भाभी को बिना रोज लिए मिलने भी तो नहीं जा सकता था। ऐसी फूलों की कमी सिर्फ इसी दिन होती है मार्केट में, वरना तो ये सो कॉल्ड प्रेमी इन्हें तभी खरीदते हैं जब या तो प्रपोज करना हो या सॉरी बोलना हो, तभी ना मैं इस पूरी प्रथा को प्रिटेंड कल्चर कहता हूँ, क्योंकि इसके बाद आता है प्रपोज डे और मोस्टली आधे लोग सिर्फ डेस्परेशन में प्रपोज करते हैं, हाँ कहते हैं जस्ट फॉर द फियर ऑफ बीइंग अलोन। और फनी बात तो ये है कि दिस वीक बीइंग द सेलिब्रेशन ऑफ लव, कुछ लोग 4-5 जगह ट्राई करते हैं, कहीं से तो हाँ मिल जाए, हैविंग मोर देन वन ऑप्शन। ये है हमारा सेलिब्रेशन ऑफ लव। अब चॉकलेट डे, टेडी डे पर गिफ्ट तो लाजमी है। आप देख रहे हो कैसे कैपिटलिज्म इन सब चीज़ों में हमारे एक्शंस को डिक्टेट करता है, कैसे इस डेमोग्राफी को जज करके वेस्टर्न कल्चर को थोपा गया है हम पे, फिर भी सब खरीदते हैं गिफ्ट्स, देते हैं उसके बाद फेक प्रॉमिसेस भी, अगले 2 दिनों की उम्मीद में हग डे और फिर किस डे, पिछले 6 दिनों के परिश्रम का फल। यू गिव समथिंग टू गेन समथिंग, एंड मुझे लगा था दिस वॉज सपोज टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। एक और बात पे वजन रखना चाहूंगा कि जो वैलेंटाइन वीक का पूरा खेलना एक तरफा है, क्यों लड़कियां अपने पार्टनर्स के लिए ये सारी चीजें नहीं करती, क्यों हमें इतने गिफ्ट्स नहीं मिलते, मतलब टेडी और रोज तो छोड़ो, पर चॉकलेट्स तो हमें भी पसंद है भाई। खैर ये तो कहने की बात है, पर पिघलता तो मैं भी हूं। ये प्रिटेंड कल्चर का सारा झमेला ना हमने भी निभाया है और आगे भी निभाएंगे। अब इस हफ्ते का आखिरी दिन, द नाइट ऑफ होप, द नाइट ऑफ अटमोस्ट डेस्परेशन, टू गेट सम एक्शन, टू गेट सम प्रिटेंशियस लव। और अगर आज का दिन अपने पार्टनर के साथ नहीं मनाया तो पूरे साल उसकी शिकायत सुनोगे। तो ज्यादा सख्त लौंडे बनने की जरूरत नहीं है, चाहिए आप भी पिघलिए, क्योंकि प्यार के मामलों में ऐसा है कि एज मैन वी विन सम बट वी लूज मोस्ट। बट ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो वैलेंटाइन वीक है तो हमारा वैलेंटाइन थोड़ा वीक है। या बेबी या।